हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बढ़िया हैं? आवाज आ रही है कि नहीं? बताइएगा सब कुछ क्लियर है कि नहीं? वी आर गुड टू गो और नॉट? कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? मैं आपका संगीत सर आप लोगों को स्वागत करता हूं केडी लैब के यूट्यूब चैनल पर। और इम्पॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस में आप लोगों ने सुना ही होगा, 2 दिन से बहुत ज्यादा न्यूज चल रही है इसराइल और फिलिस्तीन को लेकर। कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? बढ़िया है? कॉपी खोल लीजिए, एटलस अपना खोल लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग कुछ सेक्शंस देखने वाले हैं, कुछ युद्धों के बारे में बातचीत करने वाले हैं। और किस तरीके से हमारा जो ये फिलिस्तीन था, जिसे हम पैलेस्टीनियन भी कहते हैं, वो कैसे कैसे कर कर इसराइल की तरफ चला गया, इसको भी हम देखने वाले हैं। इसको समझने के लिए आपने जरूर एक और कंट्री का नाम सुना होगा, आप जानते ही होंगे एक कंट्री का नाम क्या है, इंडिया। नाम सुना है ना आप लोगों ने, है कि नहीं? सर क्या बात कर रहे हो, क्या है? एक नाम है इंडिया और एक नाम है पाकिस्तान। आपने नाम सुना ही होगा इन दोनों देशों का। सर क्या बात करते हो, इंडिया, पाकिस्तान और एक एक और देश है जिसके बारे में अभी हम बात करने वाले हैं, क्या है? इसराइल और आपका पालेस्तीन। ये दोनों देश आपके एक ही समय पर एक साल का इर्द गिर्द चल रहा है। 1946 में ये आपके बनाए गए थे। ये पूरा का पूरा पहले फिलिस्तीन हुआ करता था, यहूदियों के लिए कोई देश था ही नहीं इस पूरे हमारे इस पृथ्वी पर। क्योंकि दूसरा विश्व युद्ध जब चल रहा था, दूसरे विश्व युद्ध में आपके यहूदियों पर इतना अत्याचार हुआ था, गैस चैंबर्स में आपके इतने लोगों को मारा गया था। किसके द्वारा? आपके हिटलर के द्वारा। हिटलर के द्वारा इतने ज्यूइश को मारा गया था, क्योंकि इतनी भयंकर कत्लेआम चला था कि ब्रिटेन ने, जब ये युद्ध खत्म हो रहा था 1946 में, पालेस्टीनियन से बात कर कर यहूदियों को थोड़ी थोड़ी जगह, देख रहे हो ये हल्का हल्का ब्लू जो है, ये जो हल्का हल्का ब्लू दिख रहा है ना आपको इस मैप में, हल्का हल्का ब्लू, ये आपके इसराइल है। कुछ कुछ लैंड आपके पालेस्टीनियन से खरीद कर कर, फिलिस्तीनियों से खरीद कर कर हमने इसराइल को दे दिया, और एक इसराइल देश की हमने यहां पर निर्माण कर दिया था 1946 में। इसराइल एक मुट्ठी भर भी नहीं, एक चावल के दाने की तरह इस पूरे बड़े से फिलिस्तीन में बैठा हुआ है। उसके पास कुछ भी नहीं है अभी, सिर्फ पढ़ाई लिखाई के अलावा। वो जानता है कि बिना पढ़ाई लिखाई के हम अपने क्षेत्र को विस्तार नहीं कर पाएंगे। जैसे ही पैलेस्टीनियंस को लगा कि ये लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है, तो उसी वक्त युद्ध हो गया। क्योंकि मैंने आपके सामने अभी दो देशों का नाम जिक्र किया था, हमारा देश भारत और एक पाकिस्तान। जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान आपके आजाद हुए थे 1947 में, एक युद्ध हो गया था। और जैसे ही ज्यूइश और आपके यहूदी और पालेस्टीनियन एक जगह इकट्ठा किए गए यहां पर, किसके द्वारा? ब्रिटेन के द्वारा। तो ब्रिटेन के द्वारा जब ये किया गया था 1946 में, फिर उसी समय युद्ध भी हुआ था। क्योंकि ये युद्ध हुआ ही इसलिए है क्योंकि ब्रिटेन हमेशा चाहता है कि हम जब भी कोई अपना विस्तारवाद देखें, तो हमें चाहिए अगर हम वहां पर लड़ाई करवा दें तो ये लोग हमसे हथियार खरीदेंगे। ये यूएसए की भी सोच होती है। यूएसए भी कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। इराक जो है, आपका कुवैत जो है, उसने सब कुछ किया हुआ है। जॉर्ज बुश का नाम इसलिए तो खराब है। अफगानिस्तान में क्यों नहीं, वहां पर एकदम साफ सफाया हो जाता है? चाहता ही नहीं है वो, कर ही नहीं सकता, औकात ही नहीं है। ये वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, चाइना कैसा भी हो, वो जानता है कि यूरोप जो है एक तरीके से छटा हुआ बदमाश है। यूरोप और यूएसए और कनाडा भी, ये सारे के सारे दोषियों की मानसिकता रहती है कि हम अपना हथियार बेचें, हम अपना मार्केट खुला रखें। यूएसए ने तो प्रथम विश्व युद्ध और दूसरे विश्व युद्ध में अंतिम में आकर प्रयास किया था कि युद्ध जीत जाएं। क्यों? क्योंकि वो दोनों को हथियार बेच रहा था यूएसए आपका। वो तो जब उसके लोग मारे गए आपके पर्ल हार्बर में, तब जाकर वो जर्मनी के ऊपर कूदा है लड़ने के लिए, और जापान में उसने बॉम्ब गिरा दिए। यूएसए और अमेरिका जो है, और आपका यूरोप है, ये हमेशा चाहते हैं कि दो लोगों के बीच में हमेशा युद्ध होता रहे, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान के बीच में हो, चाहे वो इसराइल फिलिस्तीन के बीच में हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन के बीच में हो, चाहे वो चाइना ताइवान के बीच में हो। वो हमेशा चाहते हैं युद्ध होता रहे, जिससे वो हमें, इंडिया को और वो पाकिस्तान को, पाकिस्तान के पास F-16 कहां से आता है, कहां से आया? यूएसए ने बेचा। इंडिया के पास कहां से चिनूक अपाची हेलीकॉप्टर आते हैं? यूएसए ने बेचा। फ्रांस क्या चाहता है? पाकिस्तान भी खरीदे, इंडिया भी खरीदे। इंडिया रफेल खरीदे, पाकिस्तान भी रफेल खरीद ले, पैसा देगा तो ये भी खरीद लेगा। ये क्या दिखाता है? ये हमारी सोच नहीं, ये हमारी बेवकूफी है कि हम वेस्टर्न के साथ इतना झुकाव रखते हैं।
ये चाहते ही नहीं है किसी दो देशों के बीच में समझौता रहे। कभी देखा है कि कनाडा और यूएसए आपस में लड़ रहे हैं? लड़ते ही नहीं है, क्योंकि एक ही मानसिकता है कि हमें अफ्रीका को लूटना है, अफ्रीका महाद्वीप को लूटना है। ये लड़ाई करते रहे, आपस में भिड़ते रहे, समझ रहे हो? यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसको बनाया ही इसलिए गया है कि इसके पीछे में रहकर हम हमेशा युद्ध करते रहेंगे, और नहीं युद्ध हो रहा है तो हम दो देशों के बीच में युद्ध करवा देंगे और हम सब चुपचाप बैठे रहेंगे। अगर यूएनओ यूनाइटेड नेशन इतना ही ताकतवर होता तो इंडिया पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ था इसमें पाकिस्तान को पीछे हटने के लिए पहले ही बता देता, जवाहरलाल नेहरू जी को जाना नहीं पड़ता वहां पर। इसराइल फिलिस्तीन के बीच में जो समझौता हुआ था, कैसे ये फिलिस्तीन अब इतना बच गया है, देख रहे हो? 1946 में जो ये आपका फिलिस्तीन है, ये ग्रीन कलर का पूरा फिलिस्तीन है, ये फिलिस्तीन कहां गायब हो गया? कहां गायब हो गया? इसराइल ने कुछ माना नहीं, इसराइल यहां से यहां पहुंच गया। कैसे? क्योंकि उसे पता था कि हमारे ऊपर अत्याचार इतना हुआ है, कोई हमारे नहीं सुनेगा। उन्होंने पढ़ाई की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर ध्यान दिया। अब वो इतना पावरफुल हो चुका है कि उसके पास न्यूक्लियर मिसाइल्स भी हैं, चाहेगा तो फोड़ देगा एक बार में, खत्म कर देगा गाजा पट्टी, सारा का सारा गाजा पट्टी जो यहां पर सारे के सारे जो हमास है, हमास में अभी आपके 20 मिनट के अंदर 3000, ये क्या बोलते हैं, ये है आपका गाजा पट्टी और ये है आपका वेस्ट बैंक। वेस्ट वेस्ट में नहीं है, ये तो ईस्ट है कि नहीं? ये आपका ईस्ट होता है और ये आपका वेस्ट होता है, पर हम इसको याद रखते हैं कि ये मिडिल ईस्ट है तो इसको हम वेस्ट बोल देते हैं, पता नहीं क्या ज्योग्राफी पड़ता है। ये ईस्टर्न साइड में है तो बोल दिया वेस्ट बैंक है, ये क्या है आपका वेस्ट बैंक, याद रखिएगा। वेस्ट बैंक वेस्ट में नहीं है, वो ईस्ट में है, एग्जाम में बोला आता है। तो वेस्ट बैंक कहां है आपका? ईस्ट डायरेक्शन पड़ता है इसराइल के। भाई फिलिस्तीन पहले ऐसा था, ये ऐसे से ऐसे कैसे पहुंच गया भाई? कुछ तो हुआ है, क्योंकि फिलिस्तीन का माथा खराब हो गया कि तुम हमारे देश में किसी यहूदी को डाल क्यों रहे हो। पहली बात, यहां के फिलिस्तीन पढ़ते लिखते है ही नहीं, समझते ही नहीं है कि क्या जरूरत है। इसराइल को पता था कि हमें हमेशा युद्ध लड़ना पड़ेगा। कभी लगता है कि पाकिस्तान कभी कश्मीर देगा? दे सकता है, 100 साल 200 साल लग सकते हैं, पर वो मर जाएगा, पर कश्मीर देगा नहीं, पीओके देगा नहीं वो। क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि अगर हमने कश्मीर दे दिया तो पूरा जहां हम पर हंसेगा, जो 75 साल से हम कश्मीर कश्मीर कर रहे हैं वो कोई देगा नहीं, और हमने दे दिया तो बेइज्जती हो जाएगी हमारी। बेइज्जती का डर इतना ज्यादा है कि इन लोगों ने, फिलिस्तीनियों ने इसराइल को खत्म करने के लिए, अभी जो हमास ने किया है, हमास चाहता है कि बर्बाद कर दें इसराइल को, जिहाद लेकर आ जाएं। अरे भाई बाबर भी आया था जिहाद लेकर, 4 साल के अंदर तो वो भी मर गया 1530 में। क्या जिहाद? मुगलों का अब इतिहास तो अब एनसीईआरटी की किताबों से भी गायब हो चुका है, तो क्या कर लिया जिहाद करकर? इतिहास में नाम करना है तो पढ़ाई लिखाई में करो ना। इसराइल के साथ दोस्ती इतनी है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लिख दिया #WeStandWithIsrael। क्यों? क्योंकि हमास एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसने क्या किया था, 3000 आपके रॉकेट लॉन्चर इतने ज्यादा भेजे हैं कि बहुत सारे लोग आपके मारे गए इसराइल में। और अभी आपको पता होगा कि जो 10 नेपाली हैं, 10 नेपाली जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी मौत हो गई। अरे वो पढ़ने के लिए गए थे यार, तुमने उनको भी मार दिया। तुम्हें अगर जिक्र है, तुम्हें अगर ज्यादा लड़ाई लड़नी है तो लड़ाई लड़कर तुम उनके सोल्जर्स को मारो ना, तुम टूरिस्ट को क्यों मार रहे हो? आपके 2 अमेरिकन भी मारे गए हैं जो टूरिस्ट हैं। इसराइल बहुत बड़ा समृद्धवान देश है, तो देश है अच्छा है तो लोग घूमने के लिए जाते हैं, तुमने बर्बाद कर दिया फिलिस्तीन वालों ने उनको। फिलिस्तीन को था कि वो अपनी बातें डिप्लोमेटिकली बात करता, इजिप्ट से बात करता। वहां पर इसके दोस्त भी ऐसे हैं ना, नीचे में इजिप्ट है, बगल में जॉर्डन है, दिखाता हूं मैं आप लोगों को, देखिए कहां गया मैप, ये देखिए आपको जो मैं बता रहा था, ये सेक्शन आपके एग्जाम में बहुत आता है कि जो इसराइल है, ये जेरूसलम जो है आपके सऊदी अरेबिया में मक्का और मदीना है, सऊदी अरेबिया में मक्का और मदीना है। मक्का मदीना के बाद कोई इलाका बहुत फेमस है तो वो मुस्लिमों के लिए जेरूसलम है, और जेरूसलम आपके यहूदियों के लिए भी बहुत फेमस है और क्रिश्चियन धर्म के लिए भी। तो यहां पर 3 धर्म आपस के लड़ पड़े हैं। क्यों? क्योंकि यहूदी भी, आपके ईसाई धर्म की और आपके मुस्लिम भी, ये तीनों के तीनों जेरूसलम पर अपना आधिपत्य चाहते हैं। और जेरूसलम ना ही इसराइल का है ना ही फिलिस्तीन का है, इसने रखा है यूनाइटेड नेशन ने। यूनाइटेड नेशन ने कुछ प्रतिशत अपने पास रखा हुआ है कि कोई इस पर अपना आधिपत्य स्थापित नहीं करेगा। क्या इसराइल इसको मानेगा? नहीं मानेगा, लड़ाई होगी। जो ताकतवर है उसके साथ देश रहेगा, जो कमजोर है वो नहीं रहेगा। पर यहां पर जो गाजा पट्टी है, सबसे ज्यादा ये न्यूज में रहता है गाजा पट्टी, क्योंकि भूमध्य सागर के साथ इसकी सीमाएं टच करती है।
याद रखिए क्या बोल रहा हूं मैं, आपका जो गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी भूमध्य सागर के साथ अपनी सीमाएं टच करता है। तो एग्जाम में ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या फिलिस्तीन की बाउंड्री आपके भूमध्य सागर के साथ यानी कि मेडिटेरेनियन सी के साथ टच करती है? तो हां करती है। बच्चों को पता ही नहीं होगा गाजा पट्टी फिलिस्तीन का है क्या? फिलिस्तीन का है, इसलिए फिलिस्तीन भी रहेगा ऑप्शन में। तो क्या फिलिस्तीन आपका भूमध्य सागर के साथ बॉर्डर टच करता है? तो हां करता है। क्लियर है? बिल्कुल करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में गाजा पट्टी नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शन में पता है गाजा पट्टी, तो पता रहेगा बच्चे को गाजा पट्टी है, पर गाजा पट्टी नहीं रहेगा, ऑप्शन में रहेगा फिलिस्तीन। तो पालिस्तीनियन रहेगा, तो गाजा पट्टी उसी का भाग है, तो भूमध्य सागर के साथ बॉर्डर टच करता है। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, जो सर आपका इजराइल का जो फेमस जगह है वो तेल अवीव भी है, इस पर इतने रॉकेट लॉन्चर से आपके 3000 आयरन डोम था आपके इजराइल के पास, वो भी फेल हो गया क्योंकि इतना ज्यादा रॉकेट, 3000 रॉकेट लॉन्चर एक साथ फेंक देंगे क्या होगा? ये इजिप्ट इसकी हेल्प करता है, ये इजिप्ट हो गया, ये सीरिया हो गया, ये जॉर्डन हो गया, लेबनन हो गया, ये सारे देश जो हैं इज़राइल के खिलाफ रहते हैं। क्यों सर? क्योंकि 1967 में एक युद्ध हुआ था, बताता हूं मैं आप लोगों को। देखिए ये विकिपीडिया का पेज है, 1967 में एक सिक्स डे वॉर हुआ था। ये क्वेश्चन किसका हो जाएगा? हिस्ट्री का, क्योंकि इसराइल और फिलिस्तीन बहुत न्यूज में आ चुके हैं तो एग्जाम में आ सकता है। इसराइल फिलिस्तीन न्यूज में है तो सिक्स डे वॉर एक युद्ध हुआ था इतिहास में, जिसमें आपके 6 देश इसराइल से लड़े थे और इसराइल ने इनको 6 दिन के अंदर हरा दिया था। क्या है ये? मिडिल ईस्ट की कहानी है, क्योंकि इसराइल फिलिस्तीन जॉर्डन आपका सऊदी अरेबिया साइप्रस सब का सब मिडिल ईस्ट में आता है, याद रखिएगा ये मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं। सर क्या है? एक तरफ था आपका अकेला इसराइल, याद रखिएगा अकेला यहां पर इसराइल है, और इसराइल किसके खिलाफ लड़ रहा है? सर इजिप्ट है, सर सीरिया है, सर जॉर्डन है, सर इराक है, सर सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, लेबनन है, और छोटा पाकिस्तान भी है। कितने देश हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 6 अगर 2 और मिला दो तो जो आउटसाइड सपोर्ट किए थे, मिसाइल दे दिए थे, अपने बंदे भेज दिए थे आतंकवादी के रूप में, तो 8 देश हैं, 6 भी नहीं है, ये 8 देश हैं जो इसराइल के खिलाफ लड़े थे और 6 दिन के अंदर इसराइल ने इन 8 देशों को मार दिया था। अकेले लड़ा था, कोई सपोर्ट नहीं किया था, यूएसए या इंडिया यहां कोई सपोर्ट में नहीं आया था, ये अकेले लड़ा था। क्योंकि ये क्यों जीता? क्योंकि ये अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहा था, और ये अपने पता नहीं किसके लिए लड़ रहे थे। अरे भाई उनके लिए घर नहीं है, तुम्हें घर दे दिया गया है तो आराम से रहते, सामने वाले को भड़का दिए हो, वो पढ़ा लिखा ज्यादा है, दिमाग वाला ज्यादा है, खत्म कर देगा। बोला है इसराइल कि हम स्टेट ऑफ वॉर में है। स्टेट ऑफ वॉर का अर्थ होता है कि हम अब पैलेस्टीन को पूरा तरीके से नक्शे से गायब ही कर देंगे, गाजा पट्टी बचेगा ही नहीं, गाजा पट्टी भी नहीं रहेगा और हमास तो रहेगा ही नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि तुमने उसके 600-700 लोग मार दिए हैं भाई सिविलियंस को। सोल्जर्स को मारते तो युद्ध में सोल्जर्स मारे जाते हैं तो दुख कम होता है, सिविलियंस तो वहां पर काम करने के लिए जाते हैं, बिजनेस काम करने के लिए जाते हैं, पढ़ने के लिए जाते हैं, टूरिस्ट गए हुए थे, तुमने 10 नेपाली बच्चों को मार दिया या वो पढ़ने के लिए गए थे वहां पर। कौन सपोर्ट करेगा पैलेस्टीन को? सपोर्ट कौन करेगा? आठ देश, 6 देश तो डॉक्यूमेंट किए जाते हैं कि 6 देश लड़े थे 1967 में, 6 देश हैं, ये तो 8 देश हैं, ये 8 देश। पाकिस्तान भी लड़ रहा था, पाकिस्तान तो इसराइल को देश मानता ही नहीं है, वो अपने पासपोर्ट में लिखता है कि दिस पासपोर्ट इज वैलिड फॉर ऑल द कंट्रीज एक्सेप्ट आपका इसराइल, इतना नफरत करता है। ईरान इसराइल को देश मानता देता ही नहीं है, ईरान है इसराइल है, ईरान का नाम ही नहीं है, लड़ेगा ही नहीं, बैंड बज जाएगी उसकी। इसराइल अकेला लड़ा था इस युद्ध में, ईरान अभी खुला सपोर्ट करता है कि फिलिस्तीन अच्छा है, फिलिस्तीन है, फिलिस्तीन रहेगा, करो फिर सपोर्ट। ताकतवर को जरूरत नहीं पड़ती है किसी देश से सपोर्ट की, यूएसए एक बार सपोर्ट कर देगा इसराइल तो वैसे ही अरे न्यूक्लियर बॉम्ब फोड़ देगा, सारा सारा खत्म हो जाएगा। जहीर खान जी, जमीन पैलेस्टीनियन की थी क्योंकि पैलेस्टीनियन ने ही 130 साल पहले ही जमीन खरीद ली थी आपके यहूदियों ने, बहुत सारी जमीन खरीदी गई है।
अब जब लड़ाई होती है ना, तब जमीन किसने खरीदी है उस पर बातचीत नहीं होती है। ऐसे तो बताया गया था कि हरि सिंह ने, अगर आप देखते होंगे इतिहास पढ़ते होंगे, तो हरि सिंह जो आपके जम्मू कश्मीर के किंग थे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पे साइन किया था कि जम्मू कश्मीर इंडिया का एक पार्ट हो जाएगा और उसका संविधान अलग होगा। मतलब उसने बात कर दी थी कि वो इंडिया का पार्ट होगा, तो फिर पाकिस्तान ने अटैक क्यों किया? जब लड़ाई होती है ना, जब युद्ध होता है, जब वर्ल्ड वॉर होता है, जब लड़ाई होती है दो देशों के बीच में, तो डॉक्यूमेंट्स, क्या बातचीत हुई थी, फिर उस पर बातचीत नहीं होती है। बात उस पर आती है कि आप युद्ध जीतोगे या हारोगे। समझ रहे हो? और अगर आप डॉक्यूमेंट पे ही बात करना चाहते हो, तो कुछ यहूदियों ने, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन थे 1946 में, बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट कर लैंड रिकॉर्ड्स पर बहुत सारी जमीनें पालिस्तीनियन से खरीदी थी, फिलिस्तीनियों से, जिनकी वो असली जमीन थी उनसे खरीदी थी। उनके पास डॉक्यूमेंट है इसराइल के पास दिखाने के लिए, पर पालिस्तीनी बोलता है ही नहीं। फिर बाद में इसराइल के ऊपर जब युद्ध करोगे, तो क्या वो अपने आप को बचाने के लिए अपना युद्ध विस्तार करेगा? नहीं, अपने आप को आगे नहीं बढ़ाएगा। क्लियर है? जो आपके सिक्स डे वॉर हुई थी, उसमें देखिए कितने लोग मरे थे, कैजुअल्टीज कितनी हुई थी, क्या हुई थी? आपके इसराइल के कम से कम 1000 लोग, मानते हैं 776 से 980 कह रहे हैं लोग, हम कह लेते हैं कि 1000 लोग मरे थे। यहां पर इजिप्ट के, सिर्फ कंट्री के, इजिप्ट के 15,000 लोग मरे थे इस युद्ध, 6 दिन के युद्ध में 15,000 लोग मरे थे। 4,000 लोगों को कैद कर लिया था इसराइल ने। जॉर्डन के 700 लोग मरे थे। सीरिया के 2,500 लोग मरे थे इस युद्ध में। सिर्फ 6 दिन की यह लड़ाई है। 6 दिन की लड़ाई में सिर्फ 1,000 लोग इसराइल के मर रहे हैं, जो आपके यहां पर बैठे हुए थे, और यहां पर आपके कम से कम 20-25,000 लोग जो डॉक्यूमेंट किए गए हैं वो मरे हैं। कहां के? सिर्फ इसराइल के सामने बैठे हुए इसराइल के सिर्फ 1,000 लोग मर रहे हैं इस युद्ध में, 6 दिन के युद्ध में। अगर अभी 600 लोग मरे हैं इसराइल के, तो वो कितने लोग मारेगा पालिस्तीन के? अब खुद सोचो, क्या पालिस्तीनियन को युद्ध करना चाहिए था? ये ऐसा, वो यूनाइटेड नेशन में आवाज उठाता, संयुक्त राष्ट्र संघ में आवाज उठाता, तुमने वहां के इसराइल के लोगों को नहीं क्या मारा है? तुमने सोल्जर्स को थोड़ी ना मारा है, तुमने वहां पर बैठे हुए टूरिस्ट को मारा है, तुमने वहां पे लोग जो जो पढ़ाई करने के लिए जाते हैं उनको मारा है, तुमने इसराइल के सिविलियंस को मारा है, तुम्हारा कौन साथ देगा? अगर इसराइल ने ऐसा किया होता कि उसने रॉकेट लॉन्चर से इसराइल के लोगों को जान से मार दिया है, भयंकर तरीके से एकदम अटैक किया है, तो दुनिया अभी फिलिस्तीन के साथ होती, इसराइल के साथ नहीं होती। पर इसराइल के आम जनता के लोग मरे हैं भाई, इसराइल के आम जनता के लोग मरे हैं। वो क्या करेगा? आप क्या सोच रहे हो? जो कहा है ना नेतन्याहू ने कि हम गाजा पट्टी को रहने नहीं देंगे, गाजा पट्टी एग्जिस्ट करता है वो रहेगा ही नहीं। सोल्जर्स आपस में लड़ते हैं, वर्ल्ड वॉर वन हुआ है, वर्ल्ड वॉर टू हुआ है, जब ये आपस में लड़ते हैं तब सोल्जर्स मरते हैं तो दुख कम होता है, क्योंकि सोल्जर्स का काम होता है अपने एरिया की सुरक्षा के लिए। अगर आप मर भी रहे हैं तो देश के लिए आप मर रहे हैं, तो देश को गौरव भी होता है कि सैनिक ने अपनी आहुति दी है देश को बचाने के लिए। पर अगर सिविलियन मारे जाते हैं, वो कायरता का पन होता है, क्योंकि तुमने अपने देश, जो गाजा पट्टी है, तुमने वहां से 3,000 रॉकेट लॉन्चर अंधाधुंध फायर किए, सिविलियंस मरे हैं। जब जहां सिविलियंस मर जाते हैं तो सपोर्ट में कोई नहीं आता है भैया। तो मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि इसराइल ने गलत किया है, मैं कभी नहीं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूं कि फिलिस्तीन ने क्या कहते हैं सब कुछ गलत ही किया है, इसराइल ने सही किया है। दोनों की बहुत ज्यादा गलतियां हैं। इसराइल चाहता है कि वो ग्रेटर इसराइल बन जाए, ना सीरिया रहे ना सऊदी अरेबिया, भी आधा उसका हो जाए,
बहुत विस्तारवाद की नीति उसकी बहुत ज्यादा हो चुकी है, ज्यादा उसके पास एरिया ज्यादा होना चाहिए, जो कि गलत है, ये भी गलत है। जहां पर डॉक्यूमेंट किया गया है कि फिलिस्तीन भी वहां रहेंगे, इसराइल भी रहेंगे, तो इसराइल को भी ये है कि वो इस युद्ध को अभी खत्म करे, और अगर आतंकवादी संगठन हमास ने, आतंकवादी संगठन कह रहा हूं मैं अभी भी, उसने अगर किसी ऐसे मासूम को, बच्चे मारे गए हैं यार, बहुत सारे बच्चे मारे गए हैं इस युद्ध में, युद्ध चल रहा है, वर्ल्ड वॉर थ्री में तो नाम दे दिया, वर्ल्ड वॉर थ्री का मतलब क्या होता है, रशिया यूक्रेन भी लड़ रहे हैं, यहां पर आपका इसराइल फिलिस्तीन भी लड़ रहा है, कभी क्या पता चाइना का माथा खराब हो, ताइवान पे अटैक कर दे, तो क्या हो गया, ये वर्ल्ड वॉर थ्री तो चल रही है, सब अपना अपना युद्ध करने लगे हैं सबके सब, वर्ल्ड वॉर थ्री तो एक तरीके से सब तो युद्ध भी लड़ रहे हैं, आपका अजरबैजान आपके आर्मेनिया से लड़ रहा है नागोर्ना काकरोबाग के लिए, नागोर्ना काकरोबाग के लिए आपका आर्मेनिया अजरबैजान लड़ रहा है, कभी मैक्सिको यूएसए पे चढ़ जाएगा, तूने हमारा बहुत एरिया लिया था, आपको क्या लगता है यूएसए बहुत अच्छा देश है, मैक्सिको के बहुत से एरिया उसने अपने अंडर ले लिए थे, यूएसए इतना बड़ा जो है ना, इतना बड़ा कभी था नहीं, उसने मैक्सिको के बहुत सारे देश अपने अंडर ले लिए थे, वो आधे राज्य मैक्सिको के हैं जो यूएसए अभी बोलता है कि मेरा है, मैक्सिको तो कमजोर है, वो तो कुछ बोलेगा नहीं अभी, पर अंदर में तो खटास तो है ही ना, पर फिलिस्तीन यहां पर चुप नहीं है, इसराइल की बहुत सारी भूमि जो आज है उसके पास वो थी नहीं, हमने मैप देखा ना अभी, हमने जो मैप देखा है सही में फिलिस्तीन की भूमि बहुत ज्यादा चल जा चुकी है, बहुत सारे घर बेघर हो चुके हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वहां पर बिल्कुल आधे से भी कम है, बहुत गलत हुआ है फिलिस्तीनियों के साथ जो नहीं होना चाहिए था। मैं तो कहूंगा इसको बीच से काट दो, मेरा सोल्यूशन जानते हो कि सर आप क्यों नहीं कह रहे हो, मैं तो कहूंगा बीच से काट दो इसको, ऊपर रखो इसराइल, नीचे रखो फिलिस्तीन, और यूनाइटेड नेशन की पीस कीपिंग फोर्सेस 12 महीने 365 दिन लगा दो यहां बीच में, तीनों दोनों की फोर्सेस रहेंगी यहां पर, पैसा तो खर्च होता ही है आपके डिफेंस में, ऊपर कर दो इसराइल, नीचे कर दो फिलिस्तीन, और जेरूसलम किसी का होगा ही नहीं, ऐसा कर दो। ऐसा भी तो हो सकता है, हम क्यों चाहेंगे कि क्या कहते हैं फिलिस्तीन पूरा गायब हो जाए इस देश से, जो इसराइल कह रहा है, नेतन्याहू कह रहा है कि पूरा गाजा पट्टी गायब कर देंगे, क्यों करेंगे गायब, वहां के कुछ लोग शांति चाहते हैं, वहां की एक टेररिस्ट ग्रुप है हमास जो चाहता है कि इसराइल बर्बाद हो जाए, और नेतन्याहू चाह रहा है इसराइल का कि गाजा पट्टी बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, तो दोनों बर्बाद कर देंगे एक दूसरे को, तो अंधे ही हो जाएंगे ना, मारे कौन जाएंगे, बच्चे, मासूम, औरतें, लड़कियां, टूरिस्ट, इसका सॉल्यूशन यही है कि इसको दो हिस्सों में बांट दिया जाए, क्योंकि लड़ाई झड़ते रहेंगे, लोग मरते रहेंगे, आज 1000 मरे, कल 2000 मरेंगे, फिर 5000 मरेंगे, फिर 50,000 मरेंगे, मरते ही रहेंगे लोग, बच्चे ही मरेंगे, और कौन मरेगा, क्योंकि फिलिस्तीन के जो नेता थे जो यहां पर आपकी गाजा पट्टी से लड़ रहे थे, यहां पर भयंकर तरीके से लड़ रहे थे गाजा पट्टी के, उन्होंने कहा था कि हम इसराइल को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहते हैं, चाहे 100 साल लगे कि 150 साल लगे, क्या ये स्टेटमेंट सही है, और क्या इसराइल ने जब कह दिया है बेंजामिन नेतन्याहू ने कि हम सबको ढूंढ ढूंढ कर खत्म कर देंगे, और गाजा पट्टी पर अभी स्टेटमेंट आया है कि गाजा पट्टी हमारा हो चुका है, हम इसको पूरा ले लेंगे, तो फिलिस्तीन वाले कहां जाएंगे, हम इस पर बातचीत करने पे सपोर्ट कर देते हैं कि इसराइल को सपोर्ट करेंगे, फिलिस्तीन को नहीं करेंगे, अरे फिलिस्तीन के पास भी तो बच्चे बूढ़े ऐसे लोग हैं जो शांति चाहते हैं, उनकी जमीन इसराइल ने ले ली थी, ऐसे भी तो समय है जहां पर इसराइल अगर कुछ भी नहीं था, और इसराइल जब समय के अनुसार 1947 में ऐसा हो गया युद्ध जीतने के बाद, 1967 में उसने सबको हरा दिया, 8 के 8 देशों को हरा दिया, फिर उसने 2005 में तो खत्म ही कर दिया पूरा फिलिस्तीन को, तो फिलिस्तीन के मनोविज्ञान को समझिए ना, वो भी तो बर्बाद हो चुका है पूरी तरीके से, वो भी तो सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, वो यहां से यहां पहुंच चुका है, तो कहीं ना कहीं वहां पर आतंकवादी घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि उस पर इसराइल ने फोर्स किया है, तो इसराइल भी यहां पर एकदम साफ नहीं है, वो भी गलत है, दोनों को मिलकर साथ में यहां पर बैठकर आने वाली पीढ़ियों के लिए एक संदेश रखना चाहिए, पर करेंगे थोड़ी नहीं, ज्यादा समझदार है।
हाँ, आप लोग जो कह रहे हैं, जो फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं, मैं बीच का मार्ग अपनाना चाहता हूं कि दोनों को आपस में आकर बात कर कर आधा आधा लैंड बांट लेना चाहिए। अब आप जो समझदार लोग हैं, आप जो समझदार लोग हैं, जो कह रहे हैं कि जैसे क्या ही बोलूं मैं, कि इसको जीतना चाहिए, उसको जीतना चाहिए, मतलब आप समझदार कभी हुए ही नहीं हैं। फिर इनमें और आप में फर्क क्या रह गया? हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि इंडिया में रहकर लोकतंत्र की तरफ हम समझते हैं कि समाज में अगर हम रह रहे हैं तो समाज में हर वर्ग का जो आदमी रहता है उसे समाज के साथ रह लेके आगे बढ़ना चाहिए। किसी को खत्म कर देना, बर्बाद कर देना, जान से मार देना कभी कोई सॉल्यूशन नहीं हो सकता। ऊपर जाकर भगवान को क्या मुंह दिखाएंगे कि हमने कुछ अच्छा किसी आदमी को मार दिया, किसी मासूम को मार दिया? भगवान या अल्लाह क्या सपोर्ट करेगा तुम्हारे इस पॉइंट को? मुंह दिखा पाओगे किसी को कि मैं इस मानसिकता को सपोर्ट करता हूं कि मैंने ऐसा किया है, किसी मासूम को मार दिया, मैंने इस चीज को सपोर्ट किया है? क्या सॉल्यूशन है ये चीज का? इन दी एंड फिलिस्तीन हो या इसराइल, ये दोनों चाहते हैं शांति। कुछ ऐसे लोग हैं, चाहे वो नेता के रूप में हो इसराइल के रूप में, चाहे वो आपके हमास के रूप में, कुछ ऐसे लोग हों जो चाहते हैं कि लड़ाई करते रहें, लड़ाई होती रहे, बस लड़ाई होती रहे। चलिए, आप लोगों की सोच है, आप लोग रख सकते हैं, या आप लोगों को पॉइंट बताइए नीचे में क्या इसका सॉल्यूशन हो सकता है। जो मैंने बताया है कि इसराइल को बीच से काट दिया जाए और ऊपर वाला पार्ट इसराइल को दे दिया जाए, नीचे वाला फिलिस्तीन को, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, जिस तरीके से, या फिर इसराइल को ही 60% दे दिया जाए क्योंकि उसने अपने बहुत लोगों को खोया है, फिलिस्तीन को 40% दे दिया जाए अपने हिसाब से, और ये अपने तरीके से फिर कार्य करें। क्योंकि लड़ाई करेंगे ना ये जीतेंगे, ना वो चैन से जिएगा, ना ये जिएगा। है कि नहीं? चलिए, मिलते हैं फिर किसी एक वीडियो पर। बताइए सॉल्यूशन, बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर जो मेरा सॉल्यूशन है कैसा लगा, क्या इससे बेटर सॉल्यूशन आपके पास है कि यूनाइटेड नेशन में, क्योंकि यूनाइटेड नेशन कुछ करता नहीं है, ना ही उससे इंडिया पाकिस्तान का मुद्दा यहां पर सॉल्व हुआ है, ना ही उससे रशिया यूक्रेन का मुद्दा सॉल्व होगा, ना ही उससे इसराइल फिलिस्तीन का मुद्दा सॉल्व हुआ है, ना ही उससे आर्मेनिया अजरबैजान का मुद्दा सॉल्व हुआ है, ना ही उससे कल चाइना अगर ताइवान पे अटैक कर दे और कहे कि ताइवान मेरा है, उस वो भी युद्ध हुआ तो उस पर भी कोई बातचीत नहीं होगी। यूनाइटेड नेशन कुछ नहीं कर सकता, वो उसको बंद ही कर देना चाहिए। क्योंकि जब युद्ध यूनाइटेड नेशन के लोग ही युद्ध करेंगे, चाहे वो यूएसए के रूप में सपोर्ट करे इसराइल को, तो ये सब क्या कर रहे हैं? ये 5 देशों ने क्या कर रखा है? ये आपस में युद्ध लड़ करते रहेंगे तो हमें भी दे दो वीटो पावर, हम भी कर देते हैं युद्ध। फालतू चीज है ये सब चीजें, यूनाइटेड नेशन तो कुछ है ही नहीं, बकवास चीज है एकदम, कुछ करता नहीं है वो, बस देखता है, चुप रहता है। इसको एक मुखौटा बना के रख दिया है कि पीछे रहकर हम इसे सपोर्ट करते रहेंगे युद्ध के रूप में, करते रहो। चलिए, आप बताइएगा कि कैसे इसका सॉल्यूशन है, किस तरीके से रखा जाएगा, कैसे रखा जाएगा? 50-50 रखेंगे, 60-40 रखेंगे, 70-30 रखें, कैसे कैसे रखें? आधा आधा बांटे, 50-50 रख दें, कैसे कैसे रख दें, आप ही बताइएगा। टाटा, बाय बाय, सायोनारा। अपनी बातें बताइएगा कमेंट सेक्शन में किस तरीके से लगी, और समझदार बनिए। ये नहीं कि सर लड़े क्यों थे इंडिया, एक कमेंट पढ़ रहा था मैं कि इंडिया क्यों लड़ा सर, फिर हिंदू मुसलमान आपस में लड़े थे, पहली क्रांति जो 1857 में हुई थी, वजूद के लिए लड़े थे। भारत की लड़ाई अलग थी, इनकी लड़ाई आपस में ही हो गई है, क्योंकि इनकी लड़ाई जो है वो ब्रिटेन ने करवाई है, क्योंकि ये लैंड कभी इसराइल का हुआ करता था, उसको दिया गया तो वो यहां पर आया, पहले फिलिस्तीन रहते थे, फिर इसराइल आया, इसराइल ने फिर एक तरीके से वॉर लड़ी, सब देशों ने इसको उकसाया तो इसराइल जीत गया। अब जीती हुई भूमि कोई देता है? इतना दरियादिल कोई इंसान कलयुग में होता नहीं है। ठीक है, ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में। बताइएगा कैसा लगा सेक्शन, और बताइए किस तरीके से हम बैठें, क्या 60% इनको दें, 40 इनको दें,
या फिर नहीं सर इनको 50 दें और इनको भी 50 दे दें और बोले भाई अब तुम कभी भी एक दूसरे पर अटैक नहीं करोगे, कसम खाओ, एफिडेविट साइन करवाओ। पर कसम की कोई बात मानते नहीं है, एफिडेविट की कोई बात होती नहीं है, डॉक्यूमेंट कोई होता नहीं है, बस एक दूसरे पर लड़ाई होती रहती है। पर कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि कोशिश का नाम ही हम लोग कह सकते हैं कि वो भगवान का एक रास्ता है कि पीस मिले, शांति मिले। ठीक है, बताइए मुझे किस तरीके का लगा दोनों चीजें बेटा धीरज, कैसा लगा सेशन और कैसे सेक्शन में बांटा जाएगा, दोनों बताइए। ठीक है, चलिए मिलते हैं, अब विदा करते हैं, मेरी क्लास का टाइम हो रहा है 2 बजे। टाटा, बाय बाय, सायोनारा, जय हिंद, जय हिंद।